गुड मॉर्निंग। ये सेशन जो हम लोग आज ले रहे हैं वो एक तरीके से हम लोग जो रेवलेशन में पढ़ रहे थे, रेवलेशन का स्टडी ले रहे थे, उसका एक एक्सटेंशन है। हम रेवलेशन चैप्टर 2 में हैं, रेवलेशन चैप्टर 2 तक हम पहुंचे हैं एंड हम परमेश्वर यीशु मसीह ने जो 7 कलीसिया को, 7 चर्चेस को जो लेटर लिखे हैं, हम उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो पिछले सप्ताह जब हम स्टडी नहीं ले पाए तो हमने सोचा कि आज हम 2 चर्चेस के लेटर्स को फिर से पढ़ेंगे, लेकिन जब हमने ये बताया कि हम लोग एक दिन लेंगे तो मैं जानता था कि बहुत सारे लोग आएंगे जिन्होंने शायद हमारे स्टडी में पहले से भाग नहीं लिया होगा, तो इसलिए आई थॉट ये अच्छा होगा कि हम एक तरीके से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करें रेवलेशन को, रेवलेशन के पत्रों को, और फिर आए हम उस पर्टिकुलर लेटर पे जो हम आज पढ़ेंगे। लेट्स क्विकली लुक टू द लॉर्ड इन प्रेयर। ये प्रार्थना करते हैं। गॉड आवर मास्टर, वी कम टू योर थ्रोन एंड आस्क फॉर मर्सी लॉर्ड। तेरे पैरों पर, तेरे कदमों में आते हैं परमेश्वर, हम मांगते हैं तू हम पर करुणा कर प्रभु, कि हम जितने पापी हैं उससे कई ज्यादा अद्भुत तेरा वचन है, और पापी मनुष्य अद्भुत चीजों को नहीं समझ सकता। जब ये किताब हम खोलेंगे, हम चाहते हैं कि तेरी आत्मा हमें समझाए इसके वचन, इसके बोल, ताकि मैं कागज पे लिखे हुए कुछ चीज ना रहे, लेकिन हमसे, हर एक इंसान से तेरा वचन बोले। We pray, Master, that what we read today won't simply remain as ink marks on paper, but as a true living word of God, it speaks to each one of us. Thank you for your love towards us always. Pray for all the people who are there to listen. I pray, Master, that you open their hearts, their minds, and give them the strength, Master, that though sin is so strong, our God is the mightiest. In His name alone we offer this prayer. Amen. जब भी हम रेवलेशन की किताब, ये पुस्तक के बारे में बात करते हैं, तो अक्सर दो चीज होता है। एक, बहुत सारे लोग जम जाते हैं ये पढ़ने के लिए कि आगे क्या होगा, शायद रेवलेशन की किताब में लिखा है, और शायद कोई नहीं आता ये सोच के कि इसमें कितना भी पढ़ेंगे तो हमें कभी समझ में आने वाला ही नहीं है। रेवलेशन किताब हमेशा ये दो डिविजन्स के बीच में रहता है। और जब हमने रेवलेशन किताब शुरू किया, मैंने ये खास करके बताया कि दो चार चीजें रेवलेशन किताब पढ़ने के समय हम सबको याद रखनी चाहिए। ये रूल सिर्फ रेवलेशन की किताब के लिए नहीं है, हम जब भी बाइबल पढ़ेंगे हमें याद रखना है कि ये रूल जरूरी है हमारे लिए। हम सारे रूल्स के बारे में आज बात नहीं करेंगे, जस्ट विल रन थ्रू सम ऑफ द रूल्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, लेकिन जरूरी है कि ये सारी चीजें हम पता करें, याद रखें, क्योंकि जब भी हम बाइबल इंटरप्रेट करते हैं हम उसे गलत इंटरप्रेट करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कभी कभार क्या होता है हम समझते नहीं कि रेवलेशन या कोई भी किताब बाइबल का लिखा किसके लिए गया है। तो एक पहला रूल जो हमें याद करना है जब भी हम कोई भी बाइबल का बुक पढ़ेंगे, खास करके रेवलेशन पढ़ेंगे, कि रेवलेशन का किताब हमारे लिए या हमें लिखा नहीं गया था। आप समझ रहे फर्क? द बुक ऑफ रेवलेशन वॉज नॉट रिटन टू अस, द बुक ऑफ रेवलेशन वॉज नॉट रिटन टू शेटी लिविंग इन मुलुंड और टू साइमन लिविंग इन मुलुंड। आप समझ रहे फर्क? रेवलेशन का किताब एक अलग लोगों को लिखा गया था, और उस वो जो सीख था वो उनके लिए डायरेक्टली था। उसमें से जो सीख मिलता है वो हम हमारे लाइफ में यूज करते हैं, यूज करना चाहिए। अब समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? Whenever you read the Bible, ये first principle आपको याद रखना है कि Bible का जो भी book या पत्र एक particular आदमी को दिया गया था, वो लोग हम नहीं थे। अगर आप decide करेंगे कि जो भी उस आदमी को लिखा गया था वो सब मुझे भी मिलना चाहिए, तो आपका पूरा interpretation, आपका पूरा life ही गलत हो जाता है। मैं आपको उसका सरल example देता हूं। For example, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो भी पुराने सेंचुरी में चर्च के साथ हुआ था
जो भी पहले सेंचुरी में चर्च करते थे वो सब हमें भी करना चाहिए, बराबर। मतलब जैसे वो लोगों को हील करते थे वैसे ही हमें भी हील करना चाहिए, जैसे वो भविष्य देखते थे वैसे हमें भी भविष्य देखना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा गया है ना तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। तो बाइबल में लिखा गया है तुम्हारे बेटे और बेटियां, मतलब मैं भी और मेरे बेटे बेटियां भी भविष्यवाणी करना चाहिए, करना जरूरी है। अब प्रॉब्लम क्या पता है, ये बहुत स्मार्ट तरीका है, बहुत चालाक तरीका है, क्योंकि हमने एक पोर्शन ऑफ स्क्रिप्चर ले लिया जो आसान है, जो चेक कर नहीं पाते, और दूसरा डिफिकल्ट पोर्शन हमने अलग रख दिया। फॉर एग्जाम्पल मार्क के एंड में कहते हैं कि तुम्हारे बेटे अगर सांप उठाएंगे तो भी उनको कुछ नहीं होगा, जहर पिएंगे तो भी उनको कुछ नहीं होगा। तो आप क्या करते हैं, आप जो चीज आसान है करने का, मैं भविष्यवाणी करूंगा, मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगा ताकि उसका बीमारी ठीक हो जाए, मेरे बेटी बेटियां ये करें, लेकिन जहर पीने का नहीं, नहीं वो मेरे लिए नहीं है, उनके लिए था। अब समझ रहे प्रॉब्लम, वो पूरा पत्र उनको दिया गया था, उसमें से प्रिंसिपल हम ले सकते हैं, लेकिन जो कि वो उनके साथ हुआ था उसका मतलब ये नहीं है कि वही सेम चीज हमारे साथ होगा। जब भी आप इस एग्जाम्पल बाइबल को पढ़ेंगे इस चीज को याद रखिएगा, ये जरूरी आप समझना, नहीं तो आप क्या करेंगे, वो उनके साथ है, वो सेम हमारे साथ भी होना चाहिए। एंड पीपल कीप रिपीटिंग दिस मिस्टेक, पर्टिकुलरली व्हेन दे रीड द बुक ऑफ रेवलेशन एंड लैंड इनटू अ प्रॉब्लम। जब भी आप बाइबल पढ़ेंगे, वो उन लोगों के लिए था और जरूरी था कि उनको जो समझ में आए वो हमें समझ में आए। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, जब भी आप रेवलेशन पढ़ेंगे, रेवलेशन का किताब, और मैं आई कांट ओवर एम्फसाइज दिस, रेवलेशन का किताब एक पत्र है, इट्स अ लेटर, राइट। आप किसी को लेटर क्यों लिखते हैं, आप किसी को लेटर क्यों लिखते हैं, एक दूसरे का समाचार जानने के लिए, या एक दूसरे को कुछ काम बताने के लिए, या कुछ काम पूछने के लिए, बराबर। मतलब लेटर का पर्पस ही ये होता है कि हम एक दूसरे से बात कर पाए, लेटर का पर्पस ये होता है कि हम एक दूसरे को समझ पाए। ये मैं क्यों कह रहा हूं बताए, अक्सर लोग रेवलेशन के बारे में ऐसा कहेंगे कि रेवलेशन की किताब में बहुत सारा मिस्ट्री है, ये कोई समझ सकता ही नहीं। आप समझ रहे हो, रेवलेशन क्या है, लेटर है, दिया क्यों गया था, समझने के लिए, समझाने के लिए। अगर वो समझ ही नहीं सकता कोई, तो वो लेटर देने का पॉइंट सबसे बड़ा बात। ये किताब का नाम क्या है, रेवलेशन, ये किताब का नाम मिस्ट्री नहीं है। अगर जॉन इस लेटर का नाम मिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट लिखता, फिर भी हम समझ सकते हैं, वो वर्ड बाइबल में यूज किया हुआ है, लेकिन वहां पे भी समझ में आता है कि ये मिस्ट्री सब जानते हैं अभी। ये रेवलेशन है, मतलब इसमें जो लिखा गया है हम उसे समझ सकते हैं, समझना जरूरी है। अब समझे, लेट इट नेवर कम टू यू दैट यू कैन थिंक कि रेवलेशन बहुत डिफिकल्ट बुक है, हमें ये कभी समझ में आएगा ही नहीं। आई अंडरस्टैंड देयर आर डिफिकल्ट पैसेजेस इन द बुक ऑफ रेवलेशन, लेकिन बाइबल में बहुत जगह पे डिफिकल्ट पैसेजेस है, उसका मतलब ये नहीं हम उसको समझ नहीं सकते, राइट। तो रेवलेशन इज नॉट अ मिस्ट्री दैट यू कैनॉट अंडरस्टैंड। थर्ड, जॉइनिंग टू द फर्स्ट पॉइंट इटसेल्फ, रेवलेशन जो फर्स्ट सेंचुरी चर्च को लिखा गया था, बहुत सारे बातें उनके लिए आम थी, उनके लिए वो सारे बातें उनके लाइफ में डे टू डे चल रही थी, वो सारी चीजें हमारे लाइफ में आज की तारीख में नहीं है। तो अगर समझना होगा तो हमें उनके कॉन्टेक्स्ट में वो कैसे समझ रहे थे ये ध्यान देना पड़ेगा। तो रेवलेशन में अक्सर हम वापस पहले सेंचुरी में जाएंगे, या वो टाइम पे वो लोग क्या समझ रहे थे इस चीज के लिए जाएंगे। चौथा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, जब भी हम, और शायद हम उस चीज को आज देखेंगे नहीं, जब भी बुक ऑफ रेवलेशन आप पढ़ेंगे, अब याद रखिएगा हमारा बाइबल, किसी को पता है कब तक कंप्लीट हुआ, रेवलेशन किताब वॉज रिटन वेन, डज एनीवन नो, लोग बोलते हैं कि अराउंड एडी 90 के पास में ये लिखा गया होगा, मतलब आखिरी बुक न्यू टेस्टमेंट का एडी 90 के पास लिखा गया है। लेकिन तब तक जो कलेशिया है, मतलब उसका मतलब उनके पास अभी तक पूरा बाइबल नहीं है। हमारे बाइबल में कितने बुक्स हैं, 66, इमेजिन कीजिए 66 बुक बुक ऑफ रेवलेशन है, तो एडी 90 से पहले उनके पास कितना बुक था,
वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्या होता है पता है, जो भी लेटर लिखा गया है ना, वो लेटर एक दूसरे को अभी भी क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, आप समझ रहे हैं? मतलब वो पूरा पहले फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया बेसिकली कौन सा बाइबल लेके बैठे हैं, ओल्ड टेस्टमेंट, यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ये जानना क्यों जरूरी है पता है, क्योंकि जब भी हम बाइबल ये पढ़ेंगे और जब ये देखेंगे, हमें याद रखना पड़ेगा कि उनके उनके लिए उनके मन में कौन सा चीज तुरंत आएगा, द ओल्ड टेस्टमेंट। सो एवरी टाइम व्हेन यू सी द बुक ऑफ रेवलेशन, यू नीड टू इंटरलिंक विद द ओल्ड टेस्टमेंट, क्योंकि वही बाइबल उनके पास है। इसके लिए जब भी हम बाइबल के वर्सेस देखते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल पॉल टेल्स टिमोथी के द स्क्रिप्चर इज गुड इनफ टू मेक यू वाइज अन टू सेल्वेशन, ये स्क्रिप्चर जो तुम्हें बुद्धि दे सकता है तारण के लिए। टिमोथी को कौन से स्क्रिप्चर के बारे में बोल रहा है? पुराने नियम के बारे में, क्योंकि तभी तक नया नियम पूरी तरह से बन ही रहा है, सबके पास है नहीं। और पैटर्न वही था, अगर किसी को मैं एक लेटर देता था तो जरूरी था कि वो लेटर सबको दे। तो अगर मैंने टिमोथी को एक लेटर भेजा तो टिमोथी क्या करेगा, वो लेटर पढ़ेगा और फिर वो लेटर दूसरे चर्चेस को बांटेगा, राइट? एंड वी सी दैट पैटर्न व्हेन वी लुक एट द बुक ऑफ द लेटर्स फ्रॉम द सेवन चर्चेस, कि वो शुरू होता है एफिसस में और बाकी सब चर्चेस को डिवाइड, वो सेम लेटर बांटा जाता है और उनके पास जो लेटर दिया है वो वापस इनको बांटा जाता है। आप बाइबल में बार बार पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल जो लेटर कोलोसियों को लिखा गया था, उनको बोला ये लेटर तुम लाइडेशन वाले को दो, और जो लेटर लाइडेशन वाले को दिया है वो तुम भी पढ़ो, वी डोंट हैव दैट लेटर विद अस, लेटर लिव बट जो भी उनको दिया गया था। तो अभी तक सारे लेटर्स जमा हुए नहीं है नए करार के, उनके पास अभी क्या है, ओल्ड टेस्टमेंट। इसलिए प्लीज रिमेंबर, इफ यू वॉन्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड द बुक ऑफ रेवलेशन, इनडिस्पेंसिबल, कंपल्सरली आपको पुराना करार भी साथ में होना चाहिए, राइट? बहुत सारी चीजें जो हमें आज पता नहीं चलती, उन लोगों के लिए वो बहुत आसान था। आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, मेरे साथ मुड़िएगा रेवलेशन चैप्टर 1, ये हमने बाइबल स्टडी में किया था, जो थे दे ऑलरेडी नो दिस, एंड टर्न टू वर्स 12, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 12, या एंड यू कैन रीड फ्रॉम वर्स 12। ओके, एक मिनट, आपने अगर इस चैप्टर को पहले पढ़ा होगा, और मैं मानता हूं आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये जॉन यीशु को देख रहा है, बराबर, और एक भयानक सा चित्र हमारे सामने आ रहा है, राइट? यू कैन समवन रीड दैट पोर्शन इन हिंदी इफ इट्स देयर, सिस्टर डू यू हैव इट इन हिंदी विद यू? या आंटी कैन रीड इट इन मराठी? 12:1-12 से हिंदी में किसके पास, हाँ पढ़िए ना, 12 से 18 तक। जो मुझसे बोल रहा था, देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 द्यूते देखी, और उन द्यूतों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था, उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वर्ण पाले के समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी, उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानव भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था, वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से एक दोधारी तलवार निकली थी, उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर
पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुग चिंता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियों मेरे ही पास है। इसलिए जो बातें बस एक मिनट, हमने सब ये पढ़ा, हमें सबको ये सब कुछ समझ गया ना? We all understood everything that was written in that passage, right? Right? इसमें से आपको कौन सी बातें नहीं समझ में आई जितने हमने पढ़ा? आप बोलेंगे कुछ भी समझ में नहीं आया, राइट? वी डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, वी डोंट नो व्हाट इट मींस, राइट? तो हमारे लिए पूरा पैसेज मिस्ट्री है। बट लुक एट व्हाट जॉन टॉक्स अबाउट एज अ मिस्ट्री, वर्स 19 एंड 20। पढ़िए। इतने सारे क्वेश्चंस में, इतने सारे डाउट्स में, इतने सारे मिस्ट्री में, वो कौन सा दो मिस्ट्री सिर्फ बात करता है? लैम्पस्टैंड्स क्या है और स्टार्स क्या है, बराबर? आप बोलेंगे भैया एक मिनट, बहुत सारा चीज है, वॉइस, साउंड ऑफ मेनी वाटर्स, फीट बर्न्ड इन फर्नेस, हेयर लाइक वूल, आईज लाइक फ्लेम ऑफ फायर, ये सब मिस्ट्री है। लेकिन जॉन या परमेश्वर उसके बारे में बात, परमेश्वर बोलते दो ही मिस्ट्री है इसमें जो आपको नहीं मालूम, कौन सा दो है? सेवन लैम्पस्टैंड एंड द सेवन स्टार्स, मीनिंग टू द फर्स्ट सेंचुरी द रिमेनिंग थिंग्स वर वेरी क्लियर। आप समझ रहे हैं? लेकिन वो समझने के लिए उनके पास पुराना करार था। आप और मैं क्यों बताए ये पैसेज में स्ट्रगल करते हैं? हमारे पास पुराना करार है लेकिन उसमें क्या है ये हमें पता नहीं। If anyone who was soaked in the Old Testament scripture would easily understand ये कौन से topics, कौन से passages के बारे में reference है। You understand? तो पूरे passage में दो ही जगह पे mystery है, one is seven golden lampstand and one is the seven stars, बाकी सब चीज परमेश्वर कहते हैं ये तुम्हें पता है क्योंकि ये पुराने करार में है, right? तो whenever you turn to the book of Revelation, याद रखिएगा, book of Revelation का correlation बार बार पुराने करार से होगा। So we'll go back again and again to the book of Revelation and we'll go back again and again to even writings of John also specifically, right? Lekin many times and majorly we go back to the Old Testament. Purane karar mein jayenge, purane karar mein se padhenge. Theek hai? Chautha important principle. Book of Revelation is useful for us today. Book of Revelation hamare liye आज के लिए जरूरी है। इसमें से सिर्फ कल क्या होने वाला है वो देखने की बात नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं बुक ऑफ रेवलेशन इज नॉट सिंपली फोर टेलिंग, इट इज ऑल्सो फोर्थ टेलिंग। वो भविष्यवाणी ही नहीं है, वो वाणी है परमेश्वर का जो आज हमारे लिए जरूरी है। तो अगर आप बुक ऑफ रेवलेशन बार बार ये देख के पढ़ेंगे ये फ्यूचर के बारे में क्या लिखता है, फ्यूचर के बारे में क्या लिखता है, तो आप इस वचन में से कुछ पा ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपका पूरा मन हमेशा आगे क्या होगा ये सोचने के लिए बना होगा, राइट? देन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, रेवलेशन का किताब इज अ बुक ऑफ इमेजेस। रेवलेशन किताब क्या है? बुक ऑफ इमेजेस, चित्र है वो। चित्र इसलिए क्योंकि बच्चों को भी वो चित्र से कुछ ना कुछ समझ में आए, राइट? ये चित्र है करके उस चित्र के पीछे जो है वो समझना जरूरी है। बिकॉज इट्स अ इमेज, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बिहाइंड द इमेज। द इमेज इटसेल्फ इज नॉट द ट्रुथ। आप समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, आज यीशु कैसे दिखता है? आप बोलेंगे ब्रदर रेवलेशन में तो अच्छा फोटो है, बाल सफेद, पैर फीट ऑफ ब्रास, मुंह के अंदर से टू एजेड सोड, ऐसे यीशु को मिलने में जाऊंगा भी नहीं क्योंकि जिसने एक देखा उसका हालत क्या था,
सेंट जॉन वाज लाइक ही वाज डेड, जीवित कल हालत में मरे हुए हालत में मैं जब स्वर्ग में जाऊंगा ऐसे यीशु को देखे वापस मरने के लिए क्यों जाऊं वहां पे? तो अगर आज आप बोलेंगे यीशु ऐसा दिखता है तो दैट इज वेरी क्लियर, यीशु ऐसा दिखता नहीं है। ये लिखा गया है हमें समझने के लिए, देर इज अ ट्रुथ बिहाइंड दैट इमेज जो हमें समझना है। अक्सर लोग क्या करते हैं पता है, वो इमेज लेते हैं, बोलते हैं ऐसा लिखा है ना ऐसा होगा। रेवल्यूशन किताब में कभी ऐसा नहीं हो सकता, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड द आइडिया बिहाइंड द इमेज। मैं हमेशा वो एग्जाम्पल देता हूं, हमें से कितने लोगों देखा होगा पता नहीं, एक जमाने में एक 3D आर्ट आता था, उसमें बहुत सारे ऐसे समझ में नहीं आता था क्या था, पेप्सी के एड में सब आता था, जब आप उसको ऊपर से देखेंगे आपको कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन आप बहुत देर तक एक साइड जगह पे देखेंगे फिर उसके पीछे का इमेज आपको क्लियरली दिखेगा। द बुक ऑफ रेवलेशन इन सम सेंसेस इज लाइक दैट, यू हैव अ डेंसिटी ऑफ इमेजेस एंड देन व्हेन यू लुक थ्रू द इमेज आपको परमेश्वर के बारे में मालूम पड़ेगा। सेवेंथ एंड द लास्ट प्रिंसिपल दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, इज द बुक ऑफ रेवलेशन स्कैरी? ये रेवलेशन का किताब ये डरावना है क्या? नहीं, सच बोलिएगा। यस, राइट? क्यों? मतलब जॉन ने क्यों लिखा होगा, आज मेरे पास कुछ काम नहीं है, मेरे चर्च वाले कुछ काम करते भी नहीं है, आज एक लेटर लिखते सबको डरा देता हूं, इसके बाद ये सब अच्छे चल नहीं रहे, एटलीस्ट लेटर पढ़ के इनका जीवन तो थोड़ा ठीक होगा। रोम उनको परेशान कर रहे हैं, सब परेशान कर लिए भी लेकिन ठीक ठाक कर नहीं रहे, तो ऐसा लेटर लिखते हैं कि सब डर जाए और डर के मारे शायद परमेश्वर में आ जाए, बराबर ना? वो लोग ऐसे समय पर थे जब उनको जिंदा जलाया जा रहा था, जॉन खुद कहां है, पैटमोस में स्ट्रगल कर रहा है, वो दंड भर रहा है, तो वो पिकनिक के लिए नहीं गया है, वो जानता है जैसा उसकी हालत है बाकी लोग भी उसी तरह से मर रहे हैं। जो लेटर लिखा गया है वो लेटर उनको डराने के लिए नहीं है, वो लेटर उनको एनकरेज करने आया है, आश्वासन देना है, ब्लेसिंग देने के लिए है। तो अगर आप शुरुआत करेंगे कि लेटर ऑफ रेवल्यूशन डरावना है तो जॉन का पर्पस खत्म ही हो गया। आइए मुड़ते रेवल्यूशन चैप्टर 1 एंड लेट्स सी व्हाट इज हिज पर्पस, what does he say? Revelation chapter 1 verse 1, the revelation of Jesus Christ which God gave unto him to show unto his servant things which must shortly come to pass, and he sent and signified it by his angel unto his servant John, who bare record of the word of God and of the testimony of Jesus Christ and of all things that he saw. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of the prophecy and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Blessed is he that readeth, who heareth and who keeps, for the time is of hand. Then he comes down and he says, verse 4, John to the seven churches which are in Asia, grace be unto you and peace from him who is and who was, who is to come, and from the seven spirits which are before his throne, and from Jesus Christ who is the faithful witness and the first begotten of the dead. Wo pure cheez mein aap dekhenge, the emphasis is Jesus Christ, grace and peace to you. And वो फर्स्ट वर्स, ओके बिफोर आई स्टार्ट दैट, रेवल्यूशन किसके बारे में है? यीशु के बारे में। यीशु रेवल्यूशन में क्या कर रहा है, जितना आपको रेवल्यूशन का ज्ञान है, रेवल्यूशन के अंत में क्या होता है? आपने कोई भी राजा महाराजा का कभी कोई किताब लिया होगा तो उसमें अक्सर कैसा होगा पता है, लंबी सी लड़ाई होगी, बहुत स्ट्रगल होगा और अंत में जाके वो राजा जीतेगा। If it is a Greek tragedy, राजा जीतेगा भी नहीं, राइट? हम लोग अक्सर रेवल्यूशन किताब का देखते, मतलब ये एक लंबी सी लड़ाई है और ये लड़ाई के अंत में क्या होगा, यीशु जीतेगा, राइट? एंड वी वॉन्ट टू टेंड टू लुक एट द एंटायर बुक ऑफ रेवल्यूशन एज क्राइस्ट कंटिन्यूसली फाइटिंग, यीशु लड़ रहा है, लड़ रहा है, लड़ रहा है, और आखिर में जाके यीशु जीत जाता है। प्रेज गॉड, इज वेरी नाइस, राइट? बट दैट्स नॉट हाउ जॉन स्टार्ट्स। लुक एट व्हाट जॉन डज, एंड फ्रॉम जीसस क्राइस्ट वर्स 5, who is the faithful witness, को हिंदी में पढ़ेगा वचन 5, राइट? वर्स 6, यू कैन रीड वर्स 6 अगेन,
एक राज, मतलब जैसा वो राजा है वैसे उसने हमें भी राजा बनाया. व्हेन एट द एंड ऑफ द बुक और एट द स्टार्ट ऑफ द बुक, शुरू में पहले छठे वचन में बोल रहे हैं कि यीशु राजा है, उसने हमें भी राजा बनाया है. ये नहीं बोल रहे कि कल बनाएगा, ये लड़ाई हो जाने दो सब ठीक हो जाएगा फिर सबको एक एक देते हैं. द बुक इज अ कॉल ऑफ विक्ट्री फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ. और ये जरूरी है उन लोगों के लिए जिसे जिंदा जलाया जा रहा है, जिनको मारा जा रहा है, जिनको पता नहीं उनका क्या होगा कल. उन लोगों को बोल रहे हैं कि तुम आज परमेश्वर के याजक हो, तुम आज परमेश्वर के लिए राजा हो, जीत तुम्हारी हो चुकी है, होने वाली है, ऐसा नहीं है. द बुक ऑफ रेवल्यूशन स्टार्ट्स बाय टीचिंग अस दैट गॉड इज ऑलरेडी विक्टोरियस, नॉट नाउ. व्हेन जॉन रोट दिस, मतलब वो जब लोगों को लिखा ना, वो तभी उनसे बोल रहा है कि परमेश्वर जीता हुआ है, तुम्हें राजा उसने ऑलरेडी बनाया है. ये उनके लिए शांति देने के लिए है, उनको परेशान करने के लिए नहीं. अगर आपको रेवलेशन किताब से अगर एनकरेजमेंट नहीं मिलता ना, मैं नहीं समझता और कोई भी किताब से आपको एनकरेजमेंट मिल सकता है. पर्टिकुलरली जो आज हम परमेश्वर की इच्छा हुई तो हम जिस चीज को पढ़ेंगे. नाउ लेट्स कम बैक टू व्हाट वी आर डूइंग. ये लेटर किसको लिखा गया है? सात कलेशिया, बेस इंपॉर्टेंट सेवन चर्चेस, राइट. नाउ अगेन हमने कहा बुक ऑफ रेवलेशन में नंबर्स हैं, ये नंबर्स को कुछ मतलब है, राइट. और आपको अलग अलग नंबर्स के पैटर्न दिखेंगे. आपको जिसने भी पढ़ा होगा कौन से पैटर्न है, यूजुअली सात है, तीन है, दस है, बारह है, राइट. सात, दस, तीन, बारह. और अगर आप जब भी रेवलेशन किताब पढ़ेंगे आपको इसी कॉम्बिनेशन में चीजें मिलते जाएंगी. डिफिकल्ट नहीं है समझने के लिए. हजार साल दिया है, दैट विल बी, नहीं नहीं, दैट विल बी 10 raised to, मैक्स किसका इतना खराब है, 10 cube, राइट. व्हेन वी सी 1,44,000, 12 square into 10 cube, इट्स I'm also lost here, राइट. तो व्हेन यू लुक एट द बुक ऑफ रेवलेशन, आपको याद है ये नंबर्स को एक, ये नंबर्स का अपना वैल्यू नहीं है और नंबर्स के पीछे एक साइन है जो हमें समझना है. जब पॉल ये लेटर को सात चर्चेस को लिखा है, इन सात चर्चेस में हम नहीं है, बराबर. लेकिन प्रिंसिपल ये है कि जो भी उन सात चर्चेस को लिखा गया है उनमें जो प्रिंसिपल, उनको जो सिखाया गया है वो हम सब पर लागू होता है, राइट. एक और चीज है सात चर्चेस के बारे में. इन सात चर्चेस के बारे में लोगों ने बहुत सारे अलग अलग चीजें बताई. कुछ लोग बोलते हैं कि ये सात चर्चेस हिस्ट्री में अलग अलग टाइम के चर्चेस हैं. हम शायद लास्ट चर्च पीरियड में है, चर्च ऑफ लायोडिशिया. कुछ लोग बोलते हैं कि ये आइडिया है कि सब चर्चेस के बारे में लिखा गया है. लेकिन बेसिकली जॉन क्या कर रहा है बताए, सात चर्चेस के द्वारा हर चर्च जो प्रॉब्लम से गुजरता है वो उसने बताया है. हमने पिछली बार ये किया था, मैंने ऐसे ही पूछा था कि अगर आज हम वेस्टर्न साइड के चर्चेस के बारे में बात करेंगे, वेस्टर्न साइड के चर्चेस का क्या क्या प्रॉब्लम अक्सर होता है. हमने लास्ट टाइम इस चीज को देखा था, वेस्टर्न साइड के चर्चेस का क्या क्या प्रॉब्लम होता है. एक्सेस वेल्थ, बहुत ज्यादा पैसा है और पूरा जो ग्रुप है वो पैसे वाले ग्रुप का ही चर्च होगा. कुछ दूसरे चर्चेस है जो इतने ज्यादा डॉक्ट्रिन में घुस गए हैं कि उनको खाली लोगों से लड़ना उनको पसंद है, परमेश्वर से प्रेम या इवेंजेलिज्म उनको पसंद नहीं है. कुछ और चर्चेस होंगे जिसमें उन लोग लड़कियों को या स्त्रियों को बात करने देते हैं, गलतियों के बारे में कुछ नहीं बोलते और वो चलता रहता है. कुछ चर्चेस जो सच में कुछ कार्य कर रहे हैं लेकिन बहुत छोटे हैं, इसके लिए मेनलाइन चर्चेस बोलते हैं, वो चर्च उसमें तो कोई जाता ही नहीं है, सब गरीब लोग मरे पड़े हैं, वो चर्च का कुछ, वो चर्च में जाना जरूरी नहीं है, वो चर्च हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है. अगर आपको लगता है मैंने अपने कंट्री या इस वर्ल्ड के चर्चेस के बारे में बात की है तो नहीं, मैं रेवलेशन के सात चर्चेस के बारे में बात कर रहा हूं. ये सेम स्टेट था उनका. जैसा अगर आप चर्च ऑफ एफिसस देखेंगे, बहुत ज्यादा थियोलॉजी लेकिन परमेश्वर के साथ प्यार बिल्कुल ही नहीं. अगर आप पर्गमस देखेंगे, चर्च जो हर तरीके का पाप को वो सहता था, उनको लोगों को चेक करने की जरूरत नहीं थी. अगर आप चर्च ऑफ
स्मिरना देखेंगे, वो चर्च इतनी बुरी तरह से तकलीफ में था, इतनी मार खा रहा था, लेकिन कोई उसके बारे में ध्यान दे ही नहीं रहा था। अगर आप लाओडिशा का चर्च देखेंगे, उनके पास इतना धन था, सबको लगता था वो लोग जीवित है, लेकिन आखिर में वो लोग सच में वो लोग मरे हुए थे। जो भी हम एग्जाम्पल देंगे वो हर एक एग्जाम्पल हम पर लागू होता है। जब हम 7 चर्चेस को देखेंगे, इस हर चर्च का प्रिंसिपल हम पर लागू होता है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। राइट, फाइनली व्हाट इज अ चर्च? इज इट अ बिल्डिंग? इट इज पीपल। राइट, तो इसमें से हर प्रिंसिपल हमें चेक करना है कि ये हम पर लागू होता है कि नहीं। राइट, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाई? सो वी सेड 7, तो ये 7 चर्चेस के पैटर्न में हम सब चर्चेस को कवर करते हैं। ऐसा नहीं था कि जहां पे जॉन लिख रहा है वहां पे से 7 चर्चेस है, लेकिन जॉन उस 7 चर्चेस को एक पैटर्न बनाता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, किसी को 7 चर्चेस का ऑर्डर पता है? वी कैन टर्न टू दैट, रेवलेशन चैप्टर 2:1, अंडर द एंजल ऑफ द चर्च ऑफ एफिसस। राइट, बराबर। verse 8, अंडर द एंजल ऑफ द चर्च एट स्मर्ना। राइट, तो पहला चर्च कौन सा है? एफिसस, उसके बाद का चर्च स्मर्ना, उसके बाद नेक्स्ट इज द चर्च एट थायटीरा, मिला verse 18, सॉरी पर्गमस, देन verse 18 चर्च एट थायटीरा, देन chapter 3:1 Sardis, then you'll find the church at Philadelphia, and then you'll find the church at Laodicea. Right? Now, important ये है कि हम समझे कि Bible में कोई accident नहीं है. In the Bible there is no accident. John ने कैसे 7 churches को चुना? मैं हमेशा कहता हूँ, और sorry if I'm repeating for the people who are there. परमेश्वर ने जॉन को एक रेवलेशन दिया, एक विजन दिया, एक नॉलेज दिया। राइट, वो जो उसने देखा, राइट, वो ज्ञान सिर्फ जॉन की आंखों ने नहीं देखा। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूं? ये जो भी देखा ना, ये सिर्फ जॉन की आंखों ने नहीं देखा, क्योंकि अगर सिर्फ ये जो लिखा गया है, इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन जॉन्स आईज, अगर आपको लगता है जॉन ने अपने आंखों से देखा और उसके लिए लिखा गया है सही है, हम सब फंस जाएंगे, क्योंकि जॉन का एज जब उसने लिखा था शायद 80-90 साल के करीब में था। 90 साल के आदमी के आंख का प्रॉब्लम आप समझ सकते हो। राइट, दूसरा कहां पे था वो? पैटमॉस, पिकनिक पे गया था? नहीं, जेल कंडीशंस, वेरी बैड हेल्थ। वो कंडीशन में कैन यू रियली ट्रस्ट अ 90-year-old मैन आईसाइट? 90 साल के आदमी का आंख का स्ट्रेंथ या उसके हिसाब से बोले? नहीं, जॉन का आईसाइट एकदम परफेक्ट था, इसके लिए जो भी लिखा है यहां पे परफेक्ट है, तो ये बंद करके अभी कर जाते हैं। इफ यू आर डिपेंडिंग ऑन जॉन्स आईसाइट, देन वी आर ऑल इन ट्रबल, बिकॉज जॉन्स आईसाइट वुड हैव ऑलवेज बीन रॉन्ग। बेचारा अकेले था, परेशान था, शायद भूखा था, क्या क्या वो देखता था किसी को नहीं पता। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि इसके अंदर के जो भयानक जानवर है, शायद जॉन भुखमरी के अंदर उसने ये सारी चीजें देखी होंगी, क्योंकि जॉन ने देखा ना, वो हालत में था। लेकिन दीज एनिमल्स और दीज बीस्ट और दीज क्रीचर्स इन द बुक ऑफ रेवलेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन जॉन्स आईज, जॉन के आंखों पर निर्भर नहीं है। परमेश्वर वो विजन दे रहा है और इसमें कोई गलती कभी नहीं हो सकती। ये मैं क्यों बोलना चाहता हूं बताए, क्योंकि जॉन ने जब ये लेटर लिखा, ये लेटर का हर एक भाग, हर एक ऑर्डर परमेश्वर ने दिया है, जॉन ने चूज नहीं किया है। आप समझ रहे हो? बाइबल का कोई भी हिस्सा कभी भी आप पढ़ोगे, ये आपको याद रखना है कि मनुष्य उसे चूज नहीं करता। जैसे आप पहले पीटर में पढ़ते हैं कि जब पुराने करार के प्रॉफिट्स पुराने करार के नबी जब चीजें लिखते थे, वो कैसे लिखते थे? अपने मन से नहीं लिखते थे। बाइबल कहता है पवित्र आत्मा उनको चलाती थी और जो पवित्र आत्मा बोलती थी वो लिखते थे। एंड दैट सेम थिंग इज ट्रू, एंड पीटर टेक्स इट ऑन हिमसेल्फ कि हमने जो लिखा, हमने जो देखा, वो परमेश्वर ने दिया है। तो जब जॉन लिख रहा है, वो परमेश्वर उसे बता रहा है। तो ये ऑर्डर 7 चर्चेस का जॉन का ऑर्डर नहीं है। आप समझ रहे हैं? वो ऑर्डर ऐसे थी कि जॉन ने लिखा और जॉन ने बिना मतलब का जैसा चाहिए उसको। ऐसा भी हो सकता था कि एफिसस पहले हो सकता था, एफिसस पहले था लेकिन स्मिरना बाद में आने के बदले पर्गमस लिख सकता था, ऐसा नहीं था। देयर इज अ लॉजिक फॉर दैट ऑर्डर। राइट, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, शायद आप इस चीज को समझेंगे। इफ आई स्टार्ट बाय सेइंग के, मैं वापस भूल रहा हूं, विक्रोली के बाद कौन सा स्टेशन आता है? विक्रोली,
कांजुर माग इस कोई भी बाजू यार. यू अंडरस्टूड द पॉइंट राइट. तो हम जब स्टेशन के नाम देंगे और मैं रैंडम स्टेशन के नाम दूंगा, जैसे मैं बाइकला, चर्च गेट, बीटी ऐसा बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं ऑर्डर में नाम दूंगा तो आपको क्या समझेगा. ये कोई तो एक लिंक है, या तो ये ट्रेन रूट है या कुछ तो चीज है जिसमें ये ऑर्डर दिया गया है. आप समझ रहे हैं, दैट सेम ऑर्डर इज व्हाट यू सी इन द सेवन लेटर्स. मतलब पुराने करार वो टाइम पे अगर कुछ चीज लिखा जाता था, कुछ पत्र लिखा जाता था, जो ये ऑर्डर दिया गया है ना, शुरुआत कहां से होता है, एफिसस से, बाद में स्मिर्ना जगह और ये सब घूम घूम के आखिर में लाओडिशिया आएगा. इट वॉज नॉट एन एक्सीडेंट. ये ऑर्डर परमेश्वर का है उनको समझने के लिए. ये ऑर्डर का और भी रीजन बोलता हूं, क्योंकि वाई डस जॉन स्टार्ट विथ एफिसस राइट. इंपॉर्टेंट, एफिसस वॉज कॉल्ड एज द गेटवे टू एशिया. एफिसस को बुलाते ही थे एशिया का गेटवे. मतलब अगर वहां पे कोई मेजर जनरल को अगर एशिया घूमने आना होता ना, तो सबसे पहले वो कहां आएगा, एफिसस में आएगा. नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई क्राइस्ट स्टार्ट्स विद एफिसस. राजा आया है, तुम्हारे वहां राजा कहां आता है, गेटवे से, कौन से जगह पे, एफिसस में. अब ये राजा आया है, ये राजा बोलने शुरू करेगा तो कहां से बोलने शुरू करेगा, एफिसस से. You understand? It is not an accident कि John जब लिखता है वो order of church is important है. Ephesus was one of the largest cities in Asia, right? Asia Minor of that time. तो जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये sure था कि वो वही pattern follow करेगा जो लोगों को याद था, लोग समझ पाते थे. इसलिए जब यीशु शुरू करता है Ephesus से, अगला city कौन सा है, Smyrna. I'll tell you what. उसके नजदीक में स्मिरना था. अब नाउ यू कैन थिंक उसके नजदीक में दूसरा नेक्स्ट सिटी कौन सा होगा, पर्गमस. उसके नजदीक में बाद में थायथिरा. वो ऑर्डर फॉलो होता था. इनफैक्ट एफिसस के बाद जो सबसे नेक्स्ट एकदम ग्रेट सिटी था, जो एफिसस के एकदम ऑपोजिशन में या एफिसस के टक्कर में था, वो स्मिरना था. तो जैसे ही एफिसस हो गया तो अभी अगला स्मिरना. You understand? There is an order and you need to understand and appreciate the order to understand what is happening. और ये पुराने सेंचुरी में, फर्स्ट सेंचुरी में जब ये लोग पढ़ते थे ना, उनको पता था कि यीशु ने यहां से क्यों शुरू किया राइट. और जो भी हमने डिस्क्रिप्शन यीशु के बारे में पहले अध्याय में पढ़ा, वो डिस्क्रिप्शन वहां पे क्यों लिखा गया पता है, हर एक चर्च को वही डिस्क्रिप्शन वापस दिया गया है. एंड दैट डिस्क्रिप्शन टू दैट चर्च इज फॉर देयर सिचुएशन. मैं आपको उसके एग्जाम्पल बताऊं, ये पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं. वर्स चैप्टर वन, एंड द मिडस्ट ऑफ द सेवन कैंडलस्टिक्स, वन लाइक अंडर द सन ऑफ मैन, क्लोथ्ड विद अ गारमेंट डाउन टू द फुट एंड गर्ड अप द पैप्स विद अ गोल्डन गर्डल हिज हेड. ओ सॉरी, कोई हिंदी में पढ़ेगा. वर्स 12, डिस्क्रिप्शन वन. ओके, एक मिनट. उसके मुख से क्या निकलती थी, दो धारी तलवार राइट. इतना तो हम क्लियर है कि यीशु मसीह को आज हम देखने जाएंगे तो उसके मुख से दो धारी तलवार नहीं होगा. वी होप एंड वी नो इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट राइट. लेकिन जब हम हर पत्र पढ़ते हैं, हर पत्र में ये पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा नहीं गया होगा. एग्जाम्पल देते हैं, चैप्टर 2 वर्स 1, अंडर द एंजल. वापस को हिंदी में पढ़ेगा. बस, तो उसमें जो पहले वाला डिस्क्रिप्शन में सात तारे लिए हैं उसके बीच में गुमराह वो लिखा है. चैप्टर 2 वर्स 8.
तो वहां से जो प्रथम और अंतिम है सिर्फ यहाँ पे डाला गया, बाकी चीज यहाँ पे डाला नहीं गया। कम बैक टू द चर्च ऑफ पगमस, दैट्स ओके। तो परगमस को बाकी चीजें नहीं लिखते, परगमस को लिखता है कि उसके मुंह में क्या है, दो धारी तलवार। अगर आप देखेंगे सब चर्च को सेम डिस्क्रिप्शन दिया नहीं गया है, भले यीशु में सब डिस्क्रिप्शन है लेकिन सब चर्च को एक एक स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इसका रीजन क्या है हमें समझना है, क्योंकि उस चर्च का सिचुएशन के लिए यीशु मसीह का वो जो इमेज था वो उनके लिए जरूरी है। लेट्स ओनली फोकस ऑन वन, दो धारी तलवार उसके मुंह से आता है, उसका मतलब क्या है? तो पनिश, ओके, सेपरेट नो, दैट्स द वर्स कि इट्स अ टू एज्ड सोर्ड, जो अपने हिब्रू का वचन है कि द वर्ड ऑफ द लॉर्ड इज लाइक अ टू एज्ड सोर्ड दैट कैन सेपरेट बोन फ्रॉम द मैरो, मतलब जो 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 डिवाइड होता भी नहीं होगा, परमेश्वर का ताकत इतना है कि वो उसको डिवाइड कर सके, राइट right? तो उसके लिए वो स्पिरिट एंड ये कंफ्यूजन लोग क्रिएट करते हैं, राइट right? लेकिन उनको क्यों लिखा गया ये बात, वो सबके लिए सही है, सब परगमस के लिए क्यों लिखा गया है? अब समझने में क्या पूछ रहा हूं, व्हाई इज द क्वेश्चन आस्क्ड परगमस के दो तली तलवार वाला आदमी जिसके मुंह से तलवार, वो तुमसे बात कर रहा है? आई वॉन्ट टू रीड दैट, दो हमारा मेन आज ये नहीं होगा, हम बाद में इसको पढ़ेंगे, जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एंड टू द एंजल ऑफ द चर्च इन परगमस राइट दीस थिंग्स से दी हू हैड द शार्प सोर्ड विद टू एजेस, आई नो थाय वर्क्स वेयर थाउ ड्वेलेस्ट Even where Satan's seat is, कोई हिंदी में पढ़ेगा? जहां शैतान का सिंहासन है, नो ये प्रॉब्लमेटिक है, मतलब शैतान का, मतलब शैतान बैठ भी सकता है ना, उसमें किसी को डाउट है लगता है अभी भी। Satan is a आत्मिक क्रीचर, वो बैठ नहीं सकता, वो लेट भी नहीं सकता, राइट, ही इज अ स्पिरिचुअल बीइंग। लेकिन यहां पे शैतान का सिंहासन है, मतलब क्या? हमने बोला हर सिटी का एक कैरेक्टर था, एफिसस सबसे रिच था, सबसे बड़ा था, स्टार्क था, स्मिरना, हम उसके बारे में बात करेंगे। परगमस वो जगह था जहां पे इनका जो मेन रूलर था ना वो रहता था, उसका रूल वहां से होता था, आप समझ रहे हैं? मतलब एक तरीके से परगमस नई दिल्ली हो गई, जहां पे आपका रूलर बैठा है, समझ रहे हैं? अगर आप उस चीज को याद रखोगे ना, आपको समझेगा पूरा रेवलेशन का स्टोरी कि व्हाट इज द बीस्ट, दैट बीस्ट इज द गवर्नमेंट दैट इज अटैकिंग यू, राइट? तो उसको बोल रहा है तुम्हारे, तुम कहां पे रहते हो? जहां पे शैतान का सीट है, गवर्नमेंट है। और बाइबल में सोर्ड कौन सा चीज दिखाता है बार बार? पॉल कहता है गवर्नमेंट क्या है? अथॉरिटी। गवर्नमेंट क्या करता है? रिमेंबर दे डू नॉट होल्ड द सोर्ड फॉर, नॉट फॉर इट, दे होल्ड द सोर्ड टू डू व्हाट? पनिश द इवल डूअर्स, राइट? तो वो परगमस के लोग, आपको लगता है तुम्हारे वहां पे रूलर बैठा है, मैं राजा हूं, मेरे पास सच में वो सोर्ड है, मैं I am the one who can actually judge everyone, not the person sitting in Pergamus. You understand? When God is, when the Lord is saying he has got a two-edged sword in his mouth, Pergamus ke logon ko ye yaad rehta hai ki yahan ka jo raja hai na, jo yahan pe baitha hai, uske paas power nahi hai. Power kiske paas hai? Yeshu hai, jo sach mein ruler hai, jiske paas sword hai, jo akela sabko rule karne ka haq banta hai. Sword is a sign of ruling. आप समझ रहे हैं? दैट्स द रीजन वी नीड टू अंडरस्टैंड, हर एक चर्च को जब वो आइडिया दिया गया था, वो चर्च के साथ हिस्टोरिकली देर वॉज एन आइडिया टाइड टू इट, एंड दैट इज वेन द वर्ड्स बिकम मोर इंपॉर्टेंट, दैट्स वेन द वर्ड्स आर अंडरस्टैंडिंग। जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूं, चैप्टर वन, चैप्टर टू, लेट्स गो टू द लास्ट पोर्शन, वर्स 7, ही दैट हैथ एन ईयर लेट हिम हियर व्हाट द स्पिरिट सेज अनटू द चर्चेस।
ओके नाउ ये इज अ पिक्चर, मैंने लास्ट टाइम स्टडी किया था, दिस इज अ पिक्चर ऑफ गॉड्स हेवन। और परमेश्वर अलग अलग तरीके से हेवन को या सेल्वेशन को दिखाता है। अब सेल्वेशन को, हेवन को, वो पैराडाइज में गार्डन ऑफ ईडन की तरह दिखाता है। लेकिन वो क्यों करता है? क्योंकि एफिसस में जो देवी थी, दैट गॉड, दैट गॉडेस वाज सपोज्ड टू बी द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। उस गॉडेस का एक इमेज ऐसा था कि एवरग्रीन ट्री होता है ना, वैसे एक इमेज था। तो उनको बता रहा है कि वो गॉडेस एवरग्रीन नहीं है, उससे तुमको जीवन नहीं मिलेगा। तुम अगर ओवरकम करोगे, अगर तुम परमेश्वर विश्वास करोगे, मैं स्वर्ग में तुम्हें उस वृक्ष से खाने दूंगा जिससे तुम्हें क्या मिलेगा, अनंतकालिक जीवन। यू अंडरस्टैंड दैट इमेज और दैट एग्जांपल वाज गिवन टू देम टू शो देम अबाउट देयर ओन कल्चर। तो उनको तुरंत समझ में आएगा। अब समझ में आ रहा है? तो व्हेन दैट इमेज इज टोन टू देम, द इमेज, हाँ हमारे वहां पे ये, उसके लिए वो एग्जांपल है। द रीजन वी आर स्ट्रगलिंग ऑलवेज इज वी डू नॉट नो द हिस्ट्री बिहाइंड इट। और जब हम स्मरणा करेंगे, मैं यकीन मानता हूं आपको फिर से ये बात समझ में आएगा कि व्हाई इट इज रिक्वायर्ड ईच एंड एवरी आइटम। नाउ एवरी लेटर, हर लेटर को हम रेवलेशन का, हर चार, ये सात लेटर को चार मेजर पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। ये बहुत इजी है। सबसे पहला, देयर इज, ये डिवाइड इनटू फोर एसेंशियल पार्ट्स, फिर हम उसको डिटेल में बाद में देखेंगे। सबसे पहला इज अ वेरी रेलेवेंट इंट्रोडक्शन, एक हिंदी में उसको बोलेंगे एक प्रासंगिक परिचय, जो हर लोगों को उनके जगह पे वो कैसे हैं, वो सिचुएशन के लिए उनके लिए एक इंट्रोडक्शन है। आप कोई भी लेटर देखेंगे, एफिसस से लेके लायोडिशिया, आपको सब में वो मिलेगा, एक इंट्रोडक्शन मिलेगा। उसके बाद सेकेंड पार्ट, हर लेटर में आपको एक डिटेल्ड इवैल्यूएशन मिलेगा, एक ऐसा मूल्यांकन जिसमें हर चीज को परमेश्वर राइटियसली सही नेकी से उनके चर्च को इवैल्यूएट करती कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो हर लेटर में पहला क्या है, इंट्रोडक्शन। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, लेट्स लुक एट चैप्टर 2 वर्स 1। अंडर द एंजल ऑफ द चर्च ऑफ एफेसस राइट, दीस थिंग्स सेथ ही दैट होल्डेथ द सेवन स्टार्स इन हिज राइट हैंड, हू वॉकेथ इन द मिडस्ट ऑफ द सेवन गोल्डन स्टैंड्स। तो एक जनरल इंट्रोडक्शन उनको, राइट right? उसके बाद एक डिटेल्ड पेनिट्रेटिंग इवैल्यूएशन, एक डिटेल्ड इवैल्यूएशन। वर्स 2 कैसे स्टार्ट होता है? मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम, तेरे धीरज, और उसमें सबसे डेंजरस वर्ड, जानता हूं। परमेश्वर मेरे काम को, मेरे परिश्रम को, मेरे धीरज को जानता है। उससे भयानक चीज क्या हो सकती है, मैं नहीं जानता। या समझ में नहीं आ रहा कि जॉन पहला गिरना चाहिए या ये पढ़ के गिरना चाहिए, राइट? लेकिन इट इज अ डिटेल्ड इवैल्यूएशन कि मैं जानता हूं तेरे बारे में। तो हर लेटर में इंट्रोडक्शन मिलेगा आपको और एक पेनिट्रेटिंग इवैल्यूएशन मिलेगा। ये परमेश्वर जो कभी गलत नहीं कर सकता, कभी रॉन्ग नहीं कर सकता, वो इवैल्यूएट कर रहा है। उसका इवैल्यूएशन इज वेरी डिटेल्ड, राइट? सो देयर इज अ रेलेवेंट इंट्रोडक्शन। So there is a relevant introduction. He needs two chairs. So there is, so every time you pick up the seven letters, ये चार चीजें आपको हमेशा याद रहेगी। Introduction, हर letter में है, introduction है। उसके बाद एक evaluation, तुम लोग क्या कर रहे हो ये मैं जानता हूं। तीसरा, अ करस्पॉन्डिंग एग्जॉर्टेशन, एक उपदेश है जो उनके इवैल्यूएशन के साथ मिलता है, राइट? तो उनको जो भी उनका प्रॉब्लम है उसके तरफ एक करस्पॉन्डिंग एग्जॉर्टेशन है। और आखिर में एक प्रेरित करने के लिए आशीर्वाद, अ मोटिवेटिंग बेनिडिक्शन। तो अगर आपको कोई भी लेटर को डिवाइड करना है, ये इजी तरीका है। इंट्रोडक्शन है, इवैल्यूएशन है, देन एग्जॉर्टेशन है। ऐसा नहीं करते, अब लेट्स लुक एट द एग्जॉर्टेशन। Let's look at the evaluation first. Ephesians chapter 2, verse 2. I know thy works, thy labor, and thy patience, and thou canst bear them which are evil, and thou hast tried them which say they are apostles and are not, and hast found them liars, and hast borne and hast patience for my name's sake, and hast labored and hast not fainted. Evaluation hai. Barabar? Uske baad aage. Nevertheless, I have somewhat against thee, that thou hast left thy first love.
डिटेल्ड इवैल्यूएशन जिसमें तुम्हारे बारे में अच्छा भी लिखा है और बुरा भी लिखा है, राइट? सो इंट्रोडक्शन हो गया, इवैल्यूएशन हो गया, अभी आगे क्या देना है? एग्जोटेशन, अब उनको कुछ बोलना है, क्या करो? आगे देखिए, रिमेंबर देयरफॉर फ्रॉम व्हेंस थाउ हैड फॉलन, वर्स 5, एंड रिपेंट एंड डू द फर्स्ट वर्क्स, और एल्स आई विल कम अनटू दी क्विकली एंड आई विल रिमूव द कैंडलस्टिक आउट ऑफ दिस प्लेस एक्सेप्ट थाउ रिपेंट. मतलब गलती निकली है, अच्छा बोला है, अब उसके लिए क्या करना है वो भी लिखा है. फाइनली देयर इज अ फाइनल ब्लेसिंग, एक आखिर का प्रेरित करने वाला आशीर्वाद, वर्स 6 and 7. But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. He that has an ear, let him hear. But the Spirit says unto the churches, to him that overcometh, I will give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Final benediction. Akhir ka ashirwad. Har letter mein, aapko ye order milega. Evaluation kabhi achcha hoga, kabhi bura hoga. लेकिन जो भी इवैल्यूएशन होता है वो इवैल्यूएशन सत्य में होता है, क्योंकि ये कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, और ये हमने हमारे स्टडी में बात किया था, हम उसको वापस बोलते हैं, जो प्रॉब्लम एफिसस का था ये किसको बोलना चाहिए था? आपने रेस्टोरेंट्स के बाहर दिखा होगा, इफ यू लाइक आवर सर्विस टेल अदर्स, इफ यू डू नॉट लाइक आवर सर्विस टेल अस. अगर हमारा सर्विस आपको पसंद आया तो बाकी लोग को बोलो, अगर पसंद नहीं आया तो हमको बोलो. यीशु मसीह वुड हैव नॉट डन इन वेरी गुड इन होटल मैनेजमेंट बिजनेस, क्योंकि एफिसस का प्रॉब्लम सबको बता रहा है और थिएटर का प्रॉब्लम एफिसस को बता रहा है. इतना ही नहीं बोल रहा, ये जो पत्र तेरे को दिया है वो पत्र उनको भी दे, मतलब तेरा गलती जो मैंने निकाला है वो उनको भी बता. द प्रिंसिपल हियर इज वेरी क्लियर, द प्रॉब्लम दैट क्राइस्ट आइडेंटिफाइज विद एनी चर्च, राइट, हैज टू बी स्प्रेड आउट. मतलब आज किसे लोगे बताए, ब्रदर हमको क्या करना है, उन लोग क्या गलत करते हैं पूछने के लिए हमें वो नहीं, सिर्फ परमेश्वर से प्रेम करो बस. उसके आगे वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, उसका गलती निकालने का ये अपना काम नहीं है. बट लुक एट व्हाट द लॉर्ड डिड, द लेटर रिटन टू एफिसस हैज टू बी गिवन टू स्मिर्ना, स्मिर्ना का लेटर, ये बांट के जाओ हर आदमी का गलती, क्योंकि चर्च किसका है? परमेश्वर का है, और वो चाहते हैं कि मेरा चर्च है, और जब तक मैं नहीं कहूंगा ना ये चर्च का ये नहीं होगा. आई वॉन्ट द चर्च टू वर्क दैट वे, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट. सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो विच चर्च इज डूइंग वॉट. अब समझ रहे हैं, हमें जरूरी है ये जानना कि वो चर्च क्या सिखा रहा है. इफ यू नो अ पर्टिकुलर पर्सन जो गलत सिखा रहा है, हमारा काम उससे बात करें कि ब्रदर आपके चर्च के बारे में सुना मैंने, मैं चाहता हूं जानना कि आप लोग ये सही में सिखाते हो नहीं सिखाते, क्या ये जरूरी है? Yes or no? Why? Why? जरूरी है लोगों की गलतियां निकालना? सबसे पहला इंटेंशन ये नहीं कि गलतियां निकाल के उनको मार दे. यीशु कहता है एफिसस को कि ये चीज है, ये करो, कभी करो, कल करो, आज करो, अभी करो, तो तुम्हारा चर्च को मैं खत्म नहीं करूंगा. We need churches to repent if they are doing something wrong. Second important चीज, और ये हम हमेशा कहते हैं जब भी हम कहीं भी जाते हैं, लोग पूछते रहते हैं कि ब्रदर मैं यहां पे पहुंच गया हूं, कोई अच्छा चर्च है क्या बताओ, तो मुझे संडे वहां जाना है, बराबर? अब कौन से गारंटी से उसको बोलेंगे वो चर्च जाओ, जब पता ही नहीं वहां का पास्टर या चर्च क्या बिलीव करता है. मैं उसको वहां भेजू और उसने कुछ गलत सीखा तो मिस्टेक किसका होगा? मेरा, एक तरीके से, क्यों मैंने उसे वहां भेजा है. तो जरूरी है मुझे उनसे पूछ के उनको बताना कि व्हाट आर यू, क्या तुम विश्वास कर रहे हो. अब समझ रहे हैं, टुडे चर्चेस डाउन प्ले दिस, आजकल चर्चेस इस चीज को कम करते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है ना आपको जानना. मैं क्यों बताऊं हम लोग क्यों विश्वास करते हैं, आधे लोग डिस्कशन करना नहीं चाहते, कैसा लगता है कि आप जज कर रहे हो. हमने क्या क्या नाम, व्हेन वी कम टू द लेटर ऑफ पर्गमस वी विल अंडरस्टैंड कि हमने क्या क्या नाम लोगों से कमाए इन चीजों के लिए, मैं नहीं जानता. बिकॉज पीपल थिंक वी आर ओनली आउट टू गेट प्रॉब्लम्स. वी हैव हर्ड पीपल कॉलिंग अस नेम्स लाइक हेरेसी हंटर. इसका और काम नहीं है, इसका सिर्फ काम गलती निकालना है, और कुछ काम ही नहीं है. एंड दे डोंट वॉन्ट टू लिसन टू द ट्रुथ, बट दैट इज नॉट द एटीट्यूड ऑफ गॉड. वो एक पत्री जो लिखा है वो सबको दिया गया है, राइट? देन वन मोर थिंग, लेट्स come back to Revelation chapter 2 verse 5. A small thing that I remembered, I think it's important. Can you, can aap
तारण कभी खो सकता है कि नहीं? क्या आपका तारण कभी खो सकता है? कैन यू लूज योर सेल्वेशन? यस और नो? नो. व्हाई? आपका उद्धार कभी जा सकता है? नहीं. क्यों? क्योंकि उद्धार परमेश्वर ने शुरू किया है. जो काम उसने शुरू किया वो काम खत्म वही करेगा. अगर उद्धार मुझसे शुरू हुआ होता तो उसी दिन खत्म हो जाता. राइट? दूसरा चीज मैं हमेशा बोलता हूं, तारण का दूसरा वर्ड क्या है? मैं हमेशा, दैट्स अ बेटर एग्जांपल. तारण का बेटर वर्ड क्या है? अनंतकालित जीवन. अनंतकालित जीवन का मतलब क्या है? अनंतकालित जीवन का मतलब क्या है? अनंतकालित जीवन कभी खत्म होता है? कभी खत्म होता है? लेकिन जब यीशु कहते तुम्हें अभी अनंतकालित जीवन मिला है तो कभी खत्म होता है? नहीं होता. उसके लिए अनंतकालित जीवन है. वो सवाल पूछना ही बेवकूफी. अनंतकालित जीवन कभी खत्म होता है? वो डेफिनेशन ही गलत हो जाता है. अगर आपको अनंतकालित जीवन है तो आपके पास अनंतकालित जीवन है, ना खत्म होने वाला जीवन है. राइट? क्यों ये मैं बात बोल रहा हूं? रीड विथ मी चैप्टर 2 वर्स 5. क्या करेंगे? लैम्प स्टैंड आई विल रिमूव इट फ्रॉम इट्स प्लेस. और बहुत लोगों ने इस चीज को लेकर कहा है कि ये शायद ऐसा है कि आदमी का अपना, अगर उसने काम नहीं किया तो क्या होगा? उसका तारण चला जाएगा. क्यों ये नहीं हो सकता? कि हमने पहले क्या फाउंडेशन डाला कि आपका तारण जा ही नहीं सकता. लेकिन जॉन यहां पर किसके बारे में कह रहा है? कि जो चर्च है, जो कलेशिया है, जो बना हुआ है, उस कलेशिया का काम क्या? कलेशिया का क्या इमेज है? लैम्पस्टैंड. लैम्पस्टैंड क्या करता है? रोशनी देता है. मैं उससे हटा दूंगा. मतलब भले तेरे चर्च में लोग होंगे, सब होंगे, लेकिन वो चर्च वो काम नहीं करेगा जिसके लिए चुना गया. क्या काम था? टू गिव लाइट टू द वर्ल्ड. वो होगा ही नहीं. उस वचन का मतलब यह नहीं है कि किसी का तारण जाएगा. यू अंडरस्टैंड? इट्स वेरी इजी टू सी ना. वेर इज द चर्च इन एफिसस टूडे? इट इज नॉट देयर. एफिसस का चर्च आज नहीं है. तो परमेश्वर यही बोलता है कि अगर तुमने वैसा नहीं किया तो तुम्हारा चर्च जो है उसे ही मैं निकाल दूंगा. नॉट इंडिविजुअल सैल्वेशन. राइट? इसके लिए जब भी आप रिवेलेशन की किताब पढ़े तो इस चीज को याद रखिएगा. ये इंडिविजुअल सैल्वेशन के बारे में नहीं है, एटलीस्ट वो वर्स नहीं है. ये किसके बारे में है? चर्च जो काम करता है, जो लैम्पस्टैंड का काम करता है, उसमें से चर्च को हटाया जाएगा. इज दैट मच क्लियर? इज दैट मच क्लियर टू ऑल ऑफ अस? राइट? एनी क्वेश्चन? हम लोग वी कैन टेक अ स्मॉल ब्रेक. एनी क्वेश्चन? कोई सवाल है आपको इसके बारे में? तारण के बारे में, तारण रहने के बारे में, तारण जाने के बारे में? यस, चैप्टर 2. थैंक्स. चैप्टर 2 ब्रदर क्वेश्चन है कि बहुत लोग बोलते हैं कि हम किसी का गलती नहीं निकाले, हमें क्या जरूरत है. लेकिन चैप्टर 2 वर्स 2 देखिए, कोई पढ़ेगा हिंदी में? 2:2. जो प्रेरित कहते हैं, जो है नहीं तूने क्या किया, उनको परखा है. और हमने जब इस बाइबल स्टडी के, हमने इस पे ध्यान दिया था, फर्स्ट सेंचुरी चर्च के सामने ये करना कितना डिफिकल्ट आप समझ नहीं सकते. हमारे पास आज की तारीख में पूरे 66 बुक्स है. उनके पास सिर्फ क्या था? ओल्ड टेस्टमेंट था. राइट? वो समय पर जादू करने वाले लोग भी थे. हाँ या ना? हाँ. बराबर? तो अपोस्टल अकेले थे ना जो लोगों को इलाज कर रहे थे, जब भूत प्रेत भगा रहे थे. और भी लोग थे जो भूत प्रेत भगा रहे थे.
हाँ या ना। मैथ्यू में हमें एग्जाम्पल है कि पॉल कहते हैं कि वो दिन में भी ऐसा होगा, बहुत सारे लोग पूछेंगे कि प्रभु मैंने तेरे नाम पे डिडंट आई, मैंने चमत्कार किया नहीं किया, बराबर है, प्रभु ने क्या कहा, आई डू नॉट नो यू। मतलब वो जमाने में भी लोग थे जो इस तरह की चीजें कर सकते थे। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है साइमन द मैजिशियन, एक्ट की किताब में वो बाइबल क्या कहता है, वो खुद जादूगर था, लेकिन उसको स्टीफन का जादू और भी, उसके जादू से और भी पावरफुल उसको स्टीफन का जादू लगा, बराबर। तो पुराने करार में, सॉरी पहले सेंचुरी चर्च में, वो लोग किस हिसाब से लोगों को चेक करेंगे, ये आदमी बोलता है मैं आपको सुनू, दिखाओ, देखो मैंने टच किया वो ठीक हो गया, तो वो था प्रिंसिपल उनका। लुक एट दैट वर्स, वी हैव ट्राइड, मतलब जो आते थे उनको हमने ट्राई किया, उनको टेस्ट किया और पता लगा कि ये लोग क्या नहीं है, अपोस्टल नहीं है। यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, व्हेन दोस पीपल केम इन, अपोस्टल को चेक किया। आज कोई नॉर्मल पास्टर के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ बोलता, मैं पास्टर हूं, मुझसे सवाल पूछा उसने, 4 साल थियोलॉजिकल सेमिनरी, 2 साल डिग्री, 3 साल पीएचडी, घर पे लाइब्रेरी देखो, मेरे से क्वेश्चन पूछा उसने, एंड ही सेज यू हैव ट्राइड हुम, द पीपल हु कॉल देमसेल्फ एज अपोस्टल्स। और आज के तारीख में अगर आप किसी को कुछ बोल दो तो उनको लगता है बड़ा गलती कि आपने उससे एक सवाल पूछ के, दैट्स कंप्लीटली अगेंस्ट व्हाट द बाइबल, कंप्लीटली अगेंस्ट व्हाट द बाइबल टीचेस, व्हाट द बाइबल एनकरेजेस अस टू डू, राइट। एंड अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, गुड क्वेश्चन, हम कैसे समझे हमारा उद्धार हुआ है। सबसे पहले 2-3 थिंग्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, आई विल नॉट गो टू द सब्जेक्टिव फर्स्ट, मैं सब्जेक्टिव चीजों के ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं ऑब्जेक्टिव चीजों, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का मतलब बता रहा हूं, सब्जेक्टिव मतलब जो मेरे अंदर है जो कोई समझ नहीं सकता, राइट। ऑब्जेक्टिव मतलब जो हर कोई देख सकता है, जो एक स्टैंडर्ड है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, चेंज्ड लाइफ इज इट अ साइन ऑफ सैल्वेशन, मतलब आपका जीवन बदल गया है, ये सैल्वेशन का साइन है, हाँ या ना। मतलब आप पहले बहुत बुरे थे, अब आप एकदम अच्छे हो गए, इज दिस अ साइन ऑफ गुड, नो इट्स नॉट ओवर, सॉरी इट्स गॉट सम शुगर सो आई एम स्ट्रगलिंग, नॉट नेसेसरीली, चेंज लाइफ इज नॉट अ श्योर शॉट साइन टू से इज अ बिलीवर। क्यों, you have got programs or things like alcoholic anonymous, बराबर। अगर आप उसमें जाएंगे तो बोलेंगे मैं पहले बहुत दारू पीता था, अब मैं दारू पीता नहीं, चेंज लाइफ, यस, तारण हुआ है नहीं, राइट। यू गो टू ग्रुप्स लाइक जेहोवाज विटनेस, सेवन डे एडवेंटिस्ट, कल्ट्स, उनका जीवन इतना अच्छा है कि हमें शर्म आएगी हमारे जीवन को। वो जिस तरह से शब्द मनाते हैं, गलत तरीके से सैटरडे को मनाते हैं, लेकिन जिस तरह से वो मनाते हैं, हमें शर्म है कि लुक एट द इंटेंसिटी फॉर द लॉर्ड, बट दैट इज नॉट अ साइन ऑफ सेल्वेशन, आप समझ रहे हैं। तो आई विल नॉट टेक द सब्जेक्टिव फर्स्ट, लेट मी टेक द ऑब्जेक्टिव फर्स्ट। सबसे पहला, डू यू लव गॉड्स वर्ड, परमेश्वर का वचन तुम्हें प्यारा है या नहीं, ये सबसे पहला सवाल उठता है। यीशु कहता है इफ यू लव मी यू विल कीप माय कमांडमेंट्स, दैट विल लीड यू टू चेंज योर लाइफ, राइट। एक क्रिस्ती वो नहीं है जो कभी पाप नहीं करता, एक क्रिस्ती वो है जो हर कभी भी उसने पाप किया ना, उसको खुद से घृणा होती है कि उसने ये चीज किया है, और लेकिन फिर भी जानता है कि परमेश्वर उसे बचाएगा। आप समझ रहे हैं, देर इज नो सब्जेक्टिविटी, दिस होल आइडिया इज कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव, आई एम बेसिंग माई ट्रूथ ऑन जो परमेश्वर ने दिया है, आप समझ रहे हैं। तो पहला चीज ये है कि परमेश्वर के वचन के साथ मुझे प्यार है या नहीं। दूसरा, परमेश्वर जो अपने वचन के बारे में बोल रहा है, इज इट ट्रू फॉर माई लाइफ, फॉर एग्जाम्पल एम आई लविंग दिस वर्ड, इज माई लाइफ चेंजिंग इन हिम, मेरी जिंदगी उसके अंदर चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, हाउ मच आई लव हिज कमांडमेंट्स। थर्ड एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन,
डू आई लव गॉड्स चर्च? आई एम पुटिंग दैट बिहाइंड, बट इट्स एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल. व्हेन आई से गॉड्स चर्च, व्हाट डू आई मीन? द पीपल इन द चर्च. जब मैं बोलता हूं कलेशिया से प्यार करते हुए नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम कलेशिया क्या है? बिल्डिंग तो है नहीं, कलेशिया क्या है? लोग हैं. तो जब तुम कलेशिया के लोगों से तुम सच में प्यार करते हो नहीं, एक चीज याद रखिएगा, कोई भी क्रिस्ती कभी भी, एंड ये बहुत जरूरी है हमें याद रखना, एक आइलैंड की तरह नहीं रह सकता. वो ऐसा नहीं रह सकता कि मुझे चर्च की जरूरत नहीं है, मैं और मेरा बाइबल काफी है. आपको उसके लिए बनाया नहीं गया था. आपको बनाया क्यों गया था? कलेशिया के साथ रहने के लिए. मुझे बहुत तकलीफ होती है जब लोग सोचते हैं कि हम आजकल, ये इंटरनेट बहुत बड़ा तकलीफ का चीज है. आई वाज शेयरिंग विद दर्शन इन द मॉर्निंग, दर्शन कुड गो एंड मीट अ फ्रेंड. वो फ्रेंड तकलीफ में था तो दर्शन गया. मैंने बोला बहुत अच्छा था कि तू जा पाया और तू उसके साथ बैठ पाया और समय बिता पाया, क्योंकि तब इंपॉर्टेंट है. आप जॉब का स्टोरी याद है? सात लोग, सॉरी चार दोस्त, सात दिन बिना कुछ बोले रात और दिन खाली बैठे थे. आप सोचिए, अभी किसी का तबियत खराब है, हम चार जगह से फोन करते हैं सात दिन और खाली फोन पे खाली बिना कुछ बोले पकड़े रहते हैं. देयर कॉन्फ्रेंस कॉल विल नॉट रियली हेल्प. यू हैव टू बी देयर इवन यू आर नॉट सेइंग अ वर्ड, दैट इज स्टिल कंफर्ट. यू अंडरस्टैंड? सो आज क्योंकि इंटरनेट के कारण चर्च ऑनलाइन में सरमन सुनता हूं ना, बस हो जाता है. दैट इज नॉट व्हाट अ चर्च एंड द लव फॉर द चर्च इज. लोग जॉन कैल्विन के टाइम पर लोग ट्रैवल करते थे एक जगह दूसरी जगह पे, ताकि वो चर्च अपना काम दाम छोड़ के वो चर्च ज्वाइन कर सके, क्योंकि उनके एरिया में अच्छा चर्च नहीं है. करके क्या करो, छोड़ देते हैं, उस जगह में जाते हैं, लेकिन नौकरी नहीं है, नौकरी उधर जाके मिल जाएगा. जरूरी क्या है? चर्च है, राइट? व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? सो द रूल, सो द नेक्स्ट रूल इज, पीछे कब कमी आना है? नो नो वरीज. सो नेक्स्ट रूल ये है कि मैं कलेशिया से प्रेम, कलेशिया के लोगों से प्रेम ना करता हूं, राइट? और ये प्रेम, एंड दिस इज नॉट अगेन एंड अगेन अंडरस्टैंड, दिस इज, ये जब हम प्रेम की बात करते हैं, ये एक अच्छा फीलिंग नहीं है, ये एक अच्छा इमोशन नहीं है, राइट? ये प्रेम है जो उसके कार्य में दिखता है, उसके हेल्प में, उसके करेक्शन में, उसके बढ़ाने में दिखता है. क्योंकि अक्सर जब भी लोग प्रेम की बात करते हैं, दे मिक्स इट विथ इमोशन. प्रेम इमोशन है ही नहीं. लव इज नॉट एन इमोशन. It is always an action. It's a decision to follow God's word. Love क्यों emotion नहीं है? क्योंकि emotion दिखाता है कि हम change होते हैं. परमेश्वर हमसे प्यार करता है, लेकिन परमेश्वर change नहीं होता. It is a strong decision to be made. तो क्या क्या sign है कि मैं परमेश्वर में? सबसे पहला, क्या मैं परमेश्वर के वचन को, अच्छा इससे पहले जो मैंने बोला नहीं कि मुझे सच में विश्वास है कि परमेश्वर ने मेरे पाप को माफ किया. मैंने वो क्यों नहीं बोला, क्योंकि ऑब्वियसली दोज आर साइन व्हाट वी से एज व्हाट आई नो, कि मैंने परमेश्वर के सच्चे वचन को मानकर मेरे पापों की माफी हुई. अगर मेरे पापों की माफी हुई है तो मेरा जीवन कैसा है? वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेविंग फेथ इज अश्योरेंस ऑफ सेल्वेशन. मैं ये नहीं कह रहा कि सबको इक्वल अश्योरेंस होगा, लेकिन जो लोग यीशु मसीह में है उनको ये विश्वास होगा कि परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, राइट? मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी को शुरुआत से अंत तक अश्योरेंस इक्वल रहेगा. दाविद का याद है आपको, क्या कहा उसने? डू नॉट टेक अवे द रिस्टोर अनटू मी द जॉय ऑफ द सेल्वेशन, डू नॉट टेक अवे योर होली स्पिरिट फ्रॉम मी. हो सकता था, लेकिन दाविद को भी एक सेकंड के लिए लग के मैंने इतना पाप किया है कि होली स्पिरिट निकल जाएगा. हो सकता है कभी कभी वी लूज द कंप्लीट जॉय ऑफ अश्योरेंस, बट अश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट. रोमन कैथोलिक चर्च और रिफॉर्मर्स में सबसे बड़ा झगड़ा या सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या मालूम उनको, विथ द रिफॉर्मर्स इन द प्रोटेस्टेंट थियोलॉजी, उनको ये आइडिया है कि प्रोटेस्टेंट के हिसाब से ना तुम्हारा तारण कभी जा ही नहीं सकता, और इससे गलत टीचिंग कुछ भी नहीं है.
क्योंकि अगर तुम्हारा तारण जा नहीं सकता ना, तुम रोज चर्च में आके कैंडल नहीं जलाओगे, तुम घुटनों के बल नहीं रखोगे, तुम्हें लगेगा मेरा तारण ऑलरेडी मिल गया है। तो उनको ये बोलना ही गलत है कि तुम्हारे पास तारण का आश्वासन है। डू नॉट गिव देम द अश्योरेंस ऑफ सेल्वेशन, बिकॉज दैट इज वेयर रोम मेक्स मनी। आप समझ रहे हैं, मतलब जो रोमन कैथोलिक चर्च है वो कभी नहीं चाहती कि आपको वो आश्वासन मिले दैट आई एम सेव्ड। अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल्वेशन इज द श्योरिटी दैट गॉड विल कीप मी। आपके तारण का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा ये है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको क्या बनाया? बेटा। जब आपको बेटा बनाया तो क्या गारंटी में बनाया? जो उसका आपका है। और कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम बेटे नहीं रहोगे। लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ द प्रोडिगल सन ऑल्सो। जब वो बाहर था तब भी उसने क्या सोचा? मैं आऊंगा तो क्या होगा, भले घर पे नहीं लेगा लेकिन नौकर बन के तो काम करूंगा, इतना तो मुझे लेगा ही अंदर, राइट? इवन दो ही वॉज आउटसाइड, ही स्टिल न्यू एज अ फादर ही विल एटलीस्ट कीप मी देयर, नॉट डिसओन मी। आप समझ रहे हो, एज अ क्रिश्चियन दैट्स वेरी एसेंशियल कि हमें परमेश्वर के अश्योरेंस हमें मिले। मैं वापस से बोलता हूं, ये जरूरी नहीं है कि एवरीवन इज ऑन द सेम लेवल ऑफ अश्योरेंस, बट अश्योरेंस हैज टू बी देयर। इफ समवन इज नॉट हैविंग अश्योरेंस, हमें वापस जाके चेक करना पड़ेगा अश्योरेंस क्यों नहीं है। कभी कभी ये आश्वासन क्यों नहीं होता? कभी कभी लोगों को आश्वासन इसलिए नहीं होता क्योंकि सच में तारण हुआ नहीं होता, सेल्वेशन, राइट? सो I'm sorry, I had to laugh at that. वो कहते ना पूरा रामायण हो गया। Okay, now I tell you, I'll give an example of someone. Yeah, हमारे चर्च में लोगों ने एग्जाम्पल सुना है, इसलिए जो नहीं सुना उनके लिए forget the name of the person. I'll come back to me and I'll tell him. ये आदमी किसी का बपतिस्मा कर रहा था, एक औरत का। तो बपतिस्मा करते समय, जो भी यहाँ पे पालक है वो जानते हैं कि बपतिस्मा करते समय हम लोगों से पूछते हैं कि आपको यकीन है आपका तारण हो गया है? और तारण होने के बाद जब वो बोलते हैं हमें यकीन है हमारा तारण हो गया है, तब जाके बपतिस्मा उनको जो विश्वास में आता है तब उनको भी तारण देते हैं, राइट? अब जब इस औरत को बपतिस्मा दिया जा रहा था, व्हेन दिस लेडी वाज गिवन बैप्टिज्म, द पर्सन लर्नड कि इस औरत का तीसरा बपतिस्मा है, इससे पहले तीन बार उसने बपतिस्मा कर लिया है। ये सुनकर ये पास्टर बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए। उसने क्या किया, वो उस औरत का हाथ, हम लोग यूजुअली हाथ पकड़ते हाथ से झुकाते, उसने क्या किया, उस औरत का हाथ को इतने जोर से पकड़ा, बोला औरत मैं तुझे तब तक पानी में रखूंगा जब तक तुम मेंढक नहीं बन जाए, लेकिन तू क्रिस्ती नहीं बन सकती। आई कीप यू इन वॉटर टिल यू बिकम अ फ्रॉग बट यू कैनॉट बिकम अ क्रिश्चियन। बहुत सारे लोगों को, तो उनको क्या लगता है बताए, आज जाके एक और बपतिस्मा करते हैं तो क्या होगा, शायद तारण मिलेगा। अब जाके वापस लॉर्ड्स टेबल पे जाते हैं तो शायद उद्धार मिलेगा। अब चर्च में चले जाते हैं तो उद्धार मिलेगा। अब कुछ अच्छा करते हैं उद्धार मिलेगा। किसी को प्रार्थना करने को बोलते हैं उद्धार मिलेगा। दैट शोज उद्धार हुआ ही नहीं है, राइट? इफ योर सेल्वेशन इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग दैट यू हैव डन, देन देयर इज नो सेल्वेशन। ट्रस्ट मी, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ किया है जिसके कारण आपको तारण मिला है, सिवाय इसके कि मैंने पुत्र पर जिसने मेरे लिए क्रूस पर मरा है, वो विश्वास जो उसने दिया है, जो मैंने रखा है, उसके अलावा और कोई भी चीज अगर आपके पास होगा, कोई भी चीज, आप विश्वास कीजिए आपको तारण नहीं मिला है। अगर आप ये बोलेंगे कि मैंने चार लोगों को ट्रैक्ट भेजा है, आपको तारण नहीं मिला। अगर आप बोलेंगे मैंने चर्चेस में बरसों काम किया है और इतने लोगों को प्रीच किया, आपको उद्धार नहीं मिला। अगर आप कहेंगे मेरे सर्मन सुनने के लिए सैकड़ों लोग आते थे, इसके लिए तारण मिला, आपको तारण नहीं मिला। देयर इज नथिंग दैट यू कैन कम टू द क्रॉस एंड से मैंने ये किया है करके मुझे तारण मिलना चाहिए। वो प्रूफ है कि आपको तारण मिला नहीं है। बट जिसको भी तारण मिला है उसको परमेश्वर का जॉय होगा, परमेश्वर का आश्वासन होगा, चर्च के तरफ प्यार होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट परमेश्वर के वचन के तरफ प्यार होगा। आई ऑलवेज लाइक टू इक्वेट इट दिस वे एंड देन वी कम बैक टू अवर स्टडी इन रेवलेशन। जिसको परमेश्वर के वचन से प्यार नहीं है उसको परमेश्वर से प्यार नहीं है। इफ नो वन डजंट लव द वर्ड ऑफ गॉड दे विल नॉट लव गॉड ऑल्सो। इसके लिए जो लोग, और माफी चाहता हूं ये मेरा पर्सनल इंटरप्रिटेशन है, मैं नहीं सोचता कि आप लोग भी, लेकिन जो लोग नए नए रेवलेशन के लिए रुकते हैं
मैं मानता हूं कि उनका तारण शायद हुआ ही नहीं है. 66 books are there. You know, you think you know everything of this. And you still don't want this and you want that thing in the sky. ये 66 books आपके पास, आपको ये नहीं पढ़ना है. मतलब यहां पे परमेश्वर का वचन आपको सुनना नहीं है. इस वचन से आपको प्यार नहीं है. मतलब उस परमेश्वर से भी आपको प्यार नहीं है. इट इज नॉट दैट आई हैव समथिंग अगेंस्ट द पेंटिकॉस्टल्स, बट विद देयर बिहेवियर दैट दे शो, दे डोंट हैव सैल्वेशन. डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? शो नो योर यस. सवाल यह था कि क्या साइन है कि मैं परमेश्वर विश्वास करता हूं, कि मैं मुझमें तारण मिला है कि नहीं. तो मैं वापस उस चीज को बोलता हूं. सबसे पहला, मुझे परमेश्वर के वचन से प्यार है या नहीं, राइट? परमेश्वर वचन से प्यार है तो एक साइन है. दूसरा, परमेश्वर ने जो कमांड दिया है, मैं कोशिश करता हूं वो कमांड करने के लिए. रिमेंबर दिस, अ सिनलेस लाइफ इज नॉट पॉसिबल, बट अ लाइफ इन विच आई एम स्ट्रगलिंग विद सिन इज पॉसिबल. जो लाइफ जिसमें मैं पाप के साथ स्ट्रगल कर रहा हूं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे वापस जब स्मरण पढ़ेंगे, वो लाइफ क्रिस्ती लाइफ है. ऐसा कभी नहीं होगा, हम में से कोई भी बोल सकता है कि मेरे लाइफ में स्ट्रगल नहीं है, मैं एकदम अच्छा हूं. आज तक मैंने एक जमाने में पाप करता था, अब मैं पाप करता ही नहीं. मतलब समझ जाना, इतना उसका आत्मा, जैसा बाइबल बोलता है ना, हैज बीन सियर्ड विद अ हॉट आयरन, कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि पाप क्या है और अच्छा क्या. मतलब वो जो भी करता है सब पापी होगा, राइट? एवरी क्रिश्चियन विल स्ट्रगल, एंड द मोर यू बिकम होली, जब जितना पवित्र होंगे उतना वो स्ट्रगल बढ़ेगा. आप समझ रहे हो, एक जमाने में हम आराम से कह सकते थे, अरे वो अंकल है ना, उसको बोला पापा घर पे नहीं है. लेकिन क्रिस्ती बनने के बाद क्या बड़ा झूठ है उसमें. लेकिन क्रिस्ती बनने के बाद वही चीज बोलने के टाइम मुझे छुपेगा कि झूठ है वो, मैं नहीं झूठ बोल सकता. वही जो छोटी चीज थी जो आपको कभी एक जमाने में गलत लगती ही नहीं थी, अब वो गलत लगेगा क्योंकि आप परमेश्वर में हो. उसके बाद परमेश्वर का वचन में आपका रुचि बढ़ेगा, और परमेश्वर की जो शांति है, जो प्रॉमिस है कि जो भी परमेश्वर के परमेश्वर हो उसको शांति मिलेगी, वो शांति आप में होगा. मैं द रीजन मैं शांति को पहले नहीं बोलता, क्योंकि इट बिकम्स एक्सट्रीमली सब्जेक्टिव. वो शांति लोगों को बाहर में जाने के बाद भी मिलता है, राइट? अगर मैं वहां से स्टार्ट करूं तो ये पूरी चीज गिर जाएगा. इसलिए पहला मैंने ऑब्जेक्टिव बोला कि परमेश्वर का वचन मिलेगा, उस वचन से मुझे शांति मिलेगी. सो फॉर मी इन माय कैंसर आल्सो द बिगेस्ट जॉय शुड बी व्हाट, मेरा शरीर मर रहा है लेकिन मेरी आत्मा बच गई है. वो अगर होगा तो आपको तारण है, राइट? लेट्स लुक टू द लॉर्ड इन प्रेयर. ये प्रार्थना, तेरे तारण के बारे में हम जितना भी समझे परमेश्वर कम लगता है. इसलिए नहीं कि तेरा वचन पूरा नहीं, इसके लिए प्रभु, क्योंकि हम शायद अपने पाप में, अपने घमंड में चीजें भूल जाते हैं. माफी मांगते हैं प्रभु कि तू हमें फिर से सिखा हर एक चीज. तो जो मन तुझसे दूर है उसे फिरा, और तेरे वचन को जानने का, तुझे जानने का जो रुचि है, जो आनंद है, इस कलेशा को दे, ताकि हम हमेशा कह सके कि अगर हम जी रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, वो तेरी आत्मा के लिए, तेरे स्तोत्र के लिए होना चाहिए. लेट आई वॉट एवर आई डू, बी इट ईट और ड्रिंक, विल बी फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. हेल्प लॉर्ड दैट ईच वन हियर कैन डू दैट. इन योर सन्स नेम बी ऑफर दिस प्रेयर.